हेलो। अभी हम लोग ग्रुप डी का बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। ये एक बार देख लीजिए, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने। ओके। दूसरा क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए कहीं सेल में, कहीं शरीर में चोट लग गया, तो समसूत्र विभाजन, जैसे मान लीजिए अगर 100 सेल डैमेज हो गया, तो फिर वापस से 100 सेल ही बनेगा। अगर जनन में बात करेंगे तो कैसा विभाजन होता है? और सूत्र विभाजन। ओके। अब आते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अनुवांशिक कोड के खोज के लिए। अनुवांशिक कोड, अगर ये नहीं दिया है तो इंग्लिश में हो जाएगा जेनेटिक कोड, ये भी इसको हिंदी में लिख के दे सकता है। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया तो प्रकाश, सॉरी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी इनको दोनों को संयुक्त रूप में मिला था। और दो साइंटिस्ट थे जो इन इनके साथ संयुक्त रूप में मिला था, एक नीरनबर्ग और हॉली। ओके। 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आते हैं, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। पहले नाइट्रोजन बेस आता है, नाइट्रोजन बेस इसमें दो होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। ओके। प्यूरिन में जैसे याद करने के लिए ट्रिक्स है, पूजा, जी से हो गया गुआनिन और ए से हो गया एडिनिन, और बाकी सब इसमें पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में जैसे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। थायमिन किसमें होता है? डीएनए में होता है, और यूरेसिल आरएनए में। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जंपिंग जीन बर्बरा मैकलिनटॉक। जंपिंग जीन किसने दिया था? बर्बरा मैकलिनटॉक। अगर इसको याद करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई जंप किया, ये फनी है लेकिन अगर याद हो जाता तो इससे अच्छी बात क्या है। जंपिंग, अगर जंप करेगा तो बर्बरा गिरेगा, इसलिए बर्बरा मैकलिनटॉक। ओके। अब आते हैं, रेगुलेटरी जीन किसने दिया था? जैकब और मोनॉड। एबीओ रक्त समूह किसने दिया था? लैंडस्टीनर ने। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि एबी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, सर्वग्राही, और ओ को बोलते हैं सर्वदाता, मतलब सबको दे सकता है। ओके। इसलिए देता है कि सर्वदाता क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनता है। और इसमें ए भी सर्वग्राही क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी। 9वां प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ओके। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? पादप में, पौधे में को पर्ण हरित को सक्रिय करता है। ओके। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ये भी याद रखिएगा आप। लाइकेन में दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, ये सूक्ष्म जीव है कौन कौन? शैवाल एवं कवक। अगर मान लीजिए शैवाल और कवक नहीं दिया है तो क्या देगा? अल्गी और फंजाई। ओके। दूध से दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबेसिलस। ओके। पैरासीटामोल उपयोग किसके लिए होता है? शरीर के दर्द निवारक और बुखार कम करने के लिए। एचआईवी संबंधित है किससे? एड्स से। तो एचआईवी का, एड्स का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है?
ए ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब जैसे किसी को एड्स हो गया तो उसमें लक्षण आएंगे। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, बहुत सारे लक्षण आएंगे, वजन कम होगा, रात को पसीना आएगा, ऐसा बहुत सारे लक्षण आएंगे। बुखार तो बहुत सब में कॉमन होता है, बहुत सारे लोग में बुखार होता है। एक एड्स में कारगर है औषधि, उसका नाम है जिडोविडिन या एजिटो थायमिडिन, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर है 16वां क्वेश्चन, पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो ये नॉर्मल है, HCl, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, हम लोग 17वें क्वेश्चन में आते हैं। चेचक के लिए टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। ओके, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। 19वां क्वेश्चन, किण्वक क्या है? जैविक उत्प्रेरक। और किण्वक किससे होता है, किसे द्वारा संपन्न होता है? फंजाई और बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है। अब आते हैं 20वां क्वेश्चन, किस बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। 21वां क्वेश्चन, डायलेक्सिया संबंधित बीमारी में क्या होता है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होता है। दूषित पानी के कारण, 22वां क्वेश्चन, दूषित पानी के कारण कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड, पीलिया। MMR, 23वां क्वेश्चन, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एम्स हो गया मिजल्स, एम्स हो गया मम्स, आर्स हो गया रूबेला। मिजल्स मतलब खसरा, मम्स मतलब गल्फ सूज जाता है, गलसुआ, और रूबेला। 24वां क्वेश्चन, किसके कमी से दांत की बीमारी होती है? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन तत्व कमी हो गया दांत में तो उससे बीमारी हो जाती है। अगर मान लीजिए पानी में अधिक हो गया ये फ्लोरीन तो उससे बीमारी होती है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। ये अधिकतर राजस्थान में इस तरह का फ्लोरोसिस का संख्या अधिक मिला था, क्योंकि पानी में वहां पे ज्यादा फ्लोरीन की मात्रा थी, ये भी याद रखिए, फ्लोरोसिस। 25वां क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रैबीज में। अगर पागल कुत्ता काट लिया तो रैबीज बीमारी होती है, और हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से वो डरता है। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप बोलिएगा तो थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फास्ट देखने के लिए एक बार देखिए और फिर दोबारा रटना नहीं पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।